10 जून 2021 के फाइनेंशियल्स एंड टैक्सेशन बुलेटिन कुछ इस प्रकार है। इनकम टैक्स ने 26 क्यू फॉर्म में चेंज किया है, जिसमें अब आपको उन ट्रांजैक्शंस को भी रिपोर्ट करना होगा जिन पर आपने 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, ड्यू टू उन ट्रांजैक्शंस पर टीसीएस एप्लीकेबल है। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, जैसे कि स्क्रैप सेल, पार्किंग लॉट, वुड, कोल, मिनरल। जो पार्टी सेल कर रही है और टीसीएस कलेक्ट कर रही है, उनको तो अपनी टीसीएस रिटर्न में इन ट्रांजैक्शंस को दिखाना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ परचेजर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि वो इन ट्रांजैक्शंस को 194 क्यू के अंडर नील टैक्स डिडक्टेड में रिपोर्ट करें, ड्यू टू रीजन दैट टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है, आरबीआई नए पेमेंट सिस्टम न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को लाने का प्लान कर रहा है। आरबीआई ये लाइसेंसेस प्राइवेट फर्म को देगा, क्योंकि अभी एनपीसीआई जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेटलमेंट का बर्डन एंड रिस्क उसके ऊपर है। कुछ कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, पेटीएम, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ने एप्लीकेशन सबमिट की है, लेकिन एसबीआई ने आरबीआई को कहा है कि पेमेंट सेटलमेंट को प्राइवेट हाथों में ना सौंपा जाए। नेक्स्ट है, जीएसटीएन ने जीएसटीआर 1 में ग्लिच को आइडेंटिफाई किया है। मई 2021 की जीएसटीआर 1 फाइल होने के बाद जो पीडीएफ जनरेट होती है उसमें टेबल 12 में कुछ भी ना रिपोर्ट करने पर जीरो दिखा रहा है, जबकि वो NA होना चाहिए। जीएसटीएन ने एडवाइजरी जारी करते हुए इसकी जानकारी दी एंड जल्द ही ठीक होने की पॉसिबिलिटी भी है। नेक्स्ट है, पीएफ की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है। अभी ये स्कीम 30 जून तक एप्लीकेबल है, क्योंकि सरकार को उम्मीद थी कि इससे 55 लाख लोग रजिस्टर होंगे, लेकिन केवल 20 लाख लोगों ने ही रजिस्टर किया है। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट के इस समय में जो देश के हालात है उसको देखकर लगता है कि सरकार का ये टारगेट पूरा होना मुश्किल है।